नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा माल रोड का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे माल रोड में हवा घर, शौचालय एवं मार्ग का सौंदर्यीकरण के साथ ही एंटीक विद्युत पोल लगाए जाने व वहीं माल रोड पर अम्बेडकर चौक के निकट बुलाट लगाए जाने हैं। इसको लेकर आज मसूरी देहरादून प्राधिकरण के अधिकारी स्थायी निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां पर उन्हें स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि अम्बेडकर चौक के पास बुलाट लगाने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होगी, साथ ही बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस अवसर पर सभासद गीता कुमारी ने कहा कि पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक पर नगर पालिका द्वारा बैरियर लगाए गए हैं, जहाँ से माल रोड पे कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी माल रोड पर पहले झूला घर पर बुलाट लगाए गए और अब अम्बेडकर चौक पर बुलाट लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसका वो विरोध करते हैं। वहीं सभासद दर्शन रावत ने कहा कि नगर पालिका द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर माल रोड की दुर्दशा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय लोगों के लिए परेशानियां पैदा की जा रही है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। न्यूज 9 भारत के लिए मसूरी उत्तराखंड से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी कुछ देर पहले दिल जी यहाँ आए थे, मैंने उन्हें पूछा दिल जी ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में नहीं है। मैंने कहा आपके संज्ञान में नहीं तो फिर ये सड़क कैसे खोदी जा रही है, तो मैंने बताओ, फिर उन्होंने कहा कि ये टू व्हीलर को रोकने के लिए बनाई जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारे दो बैरियर नगर पालिका के हैं, एक किताबगढ़ पे एक पिक्चर पैलेस पे, जब हमारे दो बैरियर लगे हैं तो इन पे जो है तरीके से काम क्यों नहीं हो रहा, गाड़ियां अंदर कैसे घुसती हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं अध्यक्ष जी की मिली भगत है। इन बैरियरों पे जो है लीकेज का काम हो रहा है और इसलिए जो है यहाँ दिखाने के लिए आप बैरियर लगा रहे हैं। आप शहर में कितने बैरियर लगाओ, किसी की तबीयत खराब होगी तो आप कितने बैरियर खुलवाओगे, तब तक तो मरीज मर जाएगा। ये बिल्कुल हिटलर शाही राज है, गलत तरीके से। और सबसे बड़ा मैंने ये देखा है, एमडीडी हो चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, गरीबों के खिलाफ है, ये साजिश है रिक्शे वालों को बाहर करने की। जब दोनों तरफ बैरियर लग जाएंगे, रिक्शे वाले नहीं चलेंगे, इनको मजबूरन मसूरी छोड़ के रिक्शे छोड़ के घर जाना पड़ेगा, और ये मुद्दा इनके दिमाग में चल रहा है और यही साजिश है, इसलिए इसका हम विरोध करते हैं। और इसके लिए चाहे अगर ये नहीं रुकता है तो धरने में बैठना है तो हम बैठेंगे। बड़ा जो हमारा दुर्भाग्य है ना, वो पालिका अध्यक्ष ने अपने आप को ये समझ लिया कि पूरी वोट मैं ही हूँ, तो मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं जो निर्णय लूंगा वो मान्य है। वो डीएम के साथ बैठ के, एमडीडीए के साथ बैठ के खुद ही निर्णय ले लेते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ साफ भ्रष्टाचार की बू आती है। अगर आपको यातायात मैनेज करना है तो आपको अपने दोनों बैरियर पे ईमानदारी से फोकस होकर काम करना चाहिए कि कैसे हमें इसका संचालन तरीके से करना है कि गाड़ियां अंदर ना जाए। बीच बीच में बैरियर लगा के आपके पास कोई रूपरेखा कोई नीति नहीं है कि जो रिक्शा चालक है, जो हमारा टूरिस्ट आता है रिक्शा पे बैठ के जाता है, आप रिक्शा चालकों की रोजी रोटी भी छीन रहे हैं, आपने टूरिस्ट के लिए भी कोई योजना नहीं है। आप पहले निर्माण करते हैं फिर निर्माण को तोड़ दिया जाता है, आप सरकारी धन का भी दुरुपयोग करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसका विरोध करती हूँ। आपने तो बोर्ड बैठक में देखा ही है, जबरदस्त विरोध के बाद भी पालिका अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं। यहाँ पे भी आपने स्वयं मनमानी देखी है। अभी कल मैं उधर जिम में भी देख के आई थी, वो जिम के बाहर वो लगा दिया गया, एक पेपर की क्या बोलते हैं, जिम के अंदर मुरम्मत कार्य चल रहा है, जबकि वहाँ पे भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। लोगों के लिए जिम बंद कर दी गई है जो निःशुल्क थी, तो सिर्फ पैसे कमाने का एक वो बना रखा है संसाधन बोर्ड ने अपने आप को कि पैसा कमाना है, कंस्ट्रक्शन के काम करने, लेकिन कोई रूपरेखा नहीं है किस तरीके से हमने सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और निर्बल वर्ग को एक साथ लेके चलना है, एक रूपरेखा सुनिश्चित करनी है, उसकी और उनका कोई ध्यान नहीं है, बस कंस्ट्रक्शन के काम करना और भ्रष्टाचार। अनुज गुप्ता ने मसूरी को खरीद लिया क्या अध्यक्ष जी? मैडम हमारे सही बात कर रहे हैं, सर पर आपसे सिर्फ एक सिंपल सी बात है सर, नगर पालिका की बिना सहमति के एमडीडीए कोई भी काम न करे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत। हाँ देश के अलावा बोर्ड में आया बोर्ड से अगर पास होता तो ठीक है। नगर पालिका मुर्दाबाद, नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।